हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज हम आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल निटिंग पैटर्न लेकर आए हैं। इस पैटर्न को आप किड्स के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, जैकेट में, कैप में, जिसमें चाहे आप डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको स्टिचेस जो लेने होंगे वो 5-5 के मल्टीपल में, 5-5 के मल्टीपल में स्टिचेस लेकर उसमें 2 अगर आप ऐड कर देंगे तो ये डिज़ाइन आपका किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 17 स्टिचेस लिए हैं, 17 फंदे लिए हैं, और फंदे डालने के बाद दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 4 रोज एज अ बॉर्डर कम्प्लीट कर ली है। इस डिज़ाइन को राइट साइड से डाला जाता है, तो राइट साइड फर्स्ट रो देखिए हमें डिज़ाइन की किस तरह से बुननी है। स्टार्टिंग में जो 2 फंदे हैं इनको हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद पहला फंदा हम ऐसे सिलाई पर लेंगे और 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। अब फिर धागा हम आगे लेकर आएंगे और फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 3 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे। इन 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद जो पहला सीधा फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से उतार देंगे, धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 3 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे। और ये जो पहला सीधा फंदा है इसको हम ऐसे लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर लास्ट में हमारे ये जो 2 फंदे बचते हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो ऐसे हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम सेकंड रो पर आ जाते हैं। सेकंड रो साइड की रो है ये हमारी। स्टार्टिंग में जो 2 फंदे हैं ये सीधे नजर आ रहे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे और यहाँ पे जो दो फंदे हमने ऐसे एक फंदे के ऊपर से ऐसे पास किए थे तो इनको हम पहला तो हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम ये जो धागा है ऐसे सलाई के ऊपर से ऐसे ले जाते हुए फिर आगे ले आएंगे ऐसे, और फिर नेक्स्ट भी हम उल्टा बुन देंगे तो ये हमारे यहाँ पे एक जाली डल जाएगी। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट आपको ये जो 2 सीधे नज़र आ रहे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, एक उल्टा बुनना है, फिर ऐसे हम सलाई के ऊपर से घुमाते हुए फिर आगे ले आएंगे धागे को और फिर नेक्स्ट को हम उल्टा बुन देंगे। फिर ये 2 सीधे नज़र आ रहे हैं तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इनको हम सीधा बुन देंगे, फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इस तरह के 2 फंदे होंगे तो हम पहला उल्टा बुनेंगे, फिर धागा ऐसे ऊपर से सिलाई से ले जाते हुए फिर आगे ले आएंगे और फिर नेक्स्ट हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और 2 फंदे जो ये हमें सीधे नज़र आ रहे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। तो ऐसे हमारी ये सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी, रॉन्ग साइड की रो। अब हम थर्ड रो पर आ जाते हैं। थर्ड रो में हमें देखिए फर्स्ट 2 फंदे वैसे ही उल्टे बुनने हैं राइट साइड की रो में, जैसे हमने पहली रो में बुना था। फिर हम धागा पीछे लेकर जाएंगे और फिर हमें यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। ये जो जाली हमने डाली थी इसको भी सीधा बुनेंगे, ये एक सीधा बुन लिया, फिर ये जाली हमने सीधी बुन ली और फिर ये भी सीधा बुन लिया, तो 3 फंदे हमारे वैसे ही सीधे हो गए। अब धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये जो 3 फंदे हैं जाली के साथ इसको हम सीधा बुन देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये 3 फंदे फिर हम सीधे बुन देंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। तो ऐसे हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें फोर्थ रो बुननी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड की रो है। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा। 2 को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लाएंगे, ये 3 उल्टे नजर आ रहे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फिर ये सीधे नजर आ रहे हैं सीधा बुन देंगे,
धागा आगे लेकर आएंगे, तीन फंदे ये उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। तो जो जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें इस रो में बुनते जाना है। लास्ट में ये जो दो हैं इनको हम यहाँ पे सीधा बुन देंगे। तो ऐसे हमारी ये फोर रोज कंप्लीट हो जाएंगी। अब फोर रोज का ही हमारा ये डिज़ाइन है, तो देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट से लेकर फोर तक जो रोज हमारी है उन्हीं का हमें रिपीटेशन करते जाना है, फिर ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। तो इसमें जैसे ये फोर रोज हमारी हुई है, ये फोर रोज यहाँ तक हमारी हो चुकी है, फिर यहाँ से फिर फोर रोज ऐसे हमारा ये डिज़ाइन आगे एडजस्ट होता जाएगा। तो ऐसे हमें यही फोर रोज रिपीट करते जानी है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।